स्वागत करता जी थोड़ा सब का थोड़े अपने यूट्यूब चैनल दे विच जिसका नाम है अमित जिंदल। प्यारे विद्यार्थी अज की इस वीडियो दे विच गल करांगे मॉक टेस्ट नंबर 33 जो कि हर तरह के मुकाबले की प्रीख्या दे विच पंजाबी विषय की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न वार्तक नाल संबंधित इस विच शामिल किए गए हैं। शुरू करते हैं जी। पहला प्रश्न, चीफ खालसा दीवान श्री अमृतसर वालों किस साल विच डॉक्टर कृपाल सिंह नूं सन्मानित किया गया? ऑप्शन ने जी 2012 दे विच, 1992 दे विच, 2002 दे विच या 2008 दे विच। कृपाल सिंह नूं कदों सन्मानित किया गया सी चीफ खालसा दीवान श्री अमृतसर साहिब वालों? सही उत्तर जिहदा ईडी 2002 ईस्वी दे विच। दूजा प्रश्न है जी अगे हेठां विचों किसने हिंदी फिल्मां विच अदाकारी कीती? सरदार कृपाल सिंह, लाल सिंह कमला अकाली, ज्ञानी दित्त सिंह जा ससा उपरोक्त विचों कोई नहीं। किस वार्तककार ने हिंदी फिल्मों के अदाकारी की? कृपाल सिंह, लाल सिंह, ज्ञानी दित्त सिंह जा इन्हां विचों कोई नहीं। तो सही उत्तर है जी ससा, इन्हां विचों कोई नहीं। उस अदाकार का नाम है जो वार्तककार भी सी, उहदा नाम है जी बलराज सानी। तो सही उत्तर हो गया इहदा बलराज सानी। तीजा प्रश्न है जी, अलोप हो रहे चेटक निबंध संग्रह किस दी रचना है? सिंह, सरदार कपूर सिंह, सूबा सिंह जा नरेंद्र सिंह कपूर। अलोप हो रहे चेटक निबंध संग्रह, हाँ जी सही उत्तर है जी ईडी सूबा सिंह की रचना है। चौथा प्रश्न है, लाल सिंह कमला अकाली का जन्म साल सी 1898, 1899, 1998 या 1999? लाल सिंह का जन्म साल की सी? सही उत्तर है जी इहदा आड़ा 1899 ईस्वी दे विच। पंजवा प्रश्न है, की है जिंदगी अते हस दे चेहरे रचनावां दा संबंध किस नाल है? डॉक्टर टी आर शर्मा, बलराज सानी, ज्ञानी दित्त सिंह जा उपरोक्त विचों कोई नहीं। ये दो रचनावां दित्तियां होईयां ने, की है जिंदगी ते हस दे चेहरे। हाँ जी सही उत्तर है जी इहदा उड़ा, टी आर शर्मा, तिलक राज शर्मा। रचनावां नहीं हन। प्यारे विद्यार्थियों जेकर तुहानूं मॉक टेस्ट वधिया लग्गा तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ ते दोस्तां दे नाल वीडियो नूं जरूर शेयर करिओ। ज्ञानी दित्त सिंह दीआं रचनावां नहीं हन। नंबर एक दंब विधारण, नंबर दो राज प्रबोध, नंबर तीन लम्मी नदर, नंबर चार अमृत प्रबोध नहीं हन वाले प्रश्न ने। प्यारे विद्यार्थियों तुसीं ध्यान दे नाल इहदा उत्तर देखना है कि ज्ञानी दित्त सिंह दीआं रचनावां नहीं हन। हाँ जी ऑप्शन ने अगे केवल एक, केवल दो ते तीन, केवल तीन, एक दो ते चार। हाँ जी सही उत्तर है जिहदा ईडी केवल तीन। ये जो तीन नंबर रचना है लम्मी नदर, यह ज्ञानी दित्त सिंह दी नहीं हैगी। जो बाकी ने एक नंबर वाली होगी, दो नंबर वाली ते चार नंबर वाली, यह ज्ञानी दित्त सिंह जी दीआं रचनावां ने। तो इहदा सही उत्तर है जी केवल तीन। हाँ जी सातवां प्रश्न है जी, प्रिंसीपल तेजा सिंह दी सहज सुभा वार्तक पुस्तक कदों प्रकाशित हुई? सहज सुभा वार्तक पुस्तक है जो प्रिंसीपल तेजा सिंह की रचना है, यदा प्रकाशन साल पूछा गया। ऑप्शन दे विच है जी उड़ा 1951, आड़ा 1942, ईडी 1932, ससा 1961। तो सहज सुभा पुस्तक का प्रकाशन साल है जी 1942 ईस्वी के। अठवां प्रश्न है जी, लोक भरम नाम का लेख किस दी रचना है? सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, ज्ञानी गुरदित्त सिंह, बिहारी लालपुरी जा उपरोक्त विचों कोई नहीं। लोक भरम नाम का लेख, हाँ जी सही उत्तर है जिहदा ससा, इन्हां दे विचों कोई भी नहीं हैगा। क्योंकि जो लोक भरम नाम का लेख है यह रचना है प्रिंसीपल तेजा सिंह की रचना है, तो इहदा सही उत्तर होगा जी प्रिंसीपल तेजा सिंह। अगे जी नौवां प्रश्न है, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी का जन्म कित्थे होया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अमृतसर, सियालकोट, लाहौर जां बटाला। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी का जन्म होया सी जी, सही उत्तर है जिहदा आड़ा सियालकोट पाकिस्तान दे विच होया सी इन्हां दा जन्म। दसवां प्रश्न है जी अगे, डॉक्टर बलवीर सिंह मैमोरियल लाइब्रेरी कित्थे स्थित है? डॉक्टर बलवीर सिंह बहुत महान वार्तककार होए ने, इन्हां दी मैमोरियल लाइब्रेरी बनी हुई है, वह दसनी है कित्थे है जी, नवी दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना जां देहरादून।
हाँ जी सही उत्तर है जिहदा सस्सा देहरादून विखे डॉक्टर बलवीर सिंह की एक कोठी भी है जिहदा नाम है पंचवटी। अगे जी 11वां प्रश्न है जी हेठ लिखियां विचों किस वार्तककार ने ICS का इम्तिहान पास किया। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, डॉक्टर बलवीर सिंह, सरदार कपूर सिंह जां नरेंद्र सिंह कपूर। किस वार्तककार ने ICS का इम्तिहान पास किया? तो सही उत्तर है जिहदा सरदार कपूर सिंह, ताही उन्हां दे नाम पिछे ICS पैंदा कपूर सिंह ICS। 12वां प्रश्न है जी अगे प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम दे माता पिता का की नाम सी? माता का नाम भी दसना है तो पिता का नाम भी दसना है। ऑप्शन ने जी भुलाकर सिंह, उत्तम कौर, गुरनाम सिंह, नंद कौर, हीरा सिंह, निहाल कौर, गुरनाम सिंह, वीरां वाली। प्यारा सिंह पदम दे माता पिता का नाम सही उत्तर है जी इहदा आड़ा। गुरनाम सिंह इन्हां दे पिता का नाम है तो नंद कौर है जो इन्हां दी माता जी का नाम है। सही उत्तर है जी 12वें दा आड़ा। अगे जी 13वां प्रश्न है बाल संदेश नाम का मासिक पत्र किसने शुरू किया? सूबा सिंह, बलराज सानी, गुरबख्श सिंह जा प्रिंसीपल तेजा सिंह। बाल संदेश मासिक पत्र है जी किसने शुरू किया सी? सही उत्तर है जी दा ईडी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने शुरू किया सी। तो प्यारे विद्यार्थी जो सारे वार्तककार ने इन्हां दे नाल संबंधित डिटेल दे विच वीडियोज़ मैं पहला ही अपलोड कर चुके हाँ। जेकर तुसीं चैनल दे नाल नवें जुड़े हो तो वह वीडियोज़ नूं जरूर देख लो। मास्टर कार्डर दा बहुत सारा सिलेबस है जो इस चैनल दे उपर कंप्लीट हो चुका है। अज 33वां मुख टैसट चल रहा है। 14वां प्रश्न है जी अगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर दे लेख नहीं हन? तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर ने जो बहुत महान वार्तककार होए ने इन्हां दे लेख किहड़े नहीं हन? ऑप्शन है जी नैन नक्श, घर परिवार, शुभ इशावां, काहल, याद करदे आं, कम दा महत्व, जां पैसा धन ते दौलत, सोहणे अते प्यारे। अगे ऑप्शन भी प्यारे विद्यार्थी तुसीं अपने आप देख लियो ते सही ऑप्शन देखना तुसीं किहड़ा दे विच ऊड़ा आड़ा ईड़ी जां सस्सा। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों करैक्शन है प्रश्न के थोड़ी जी एक प्रश्न है जी डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर दे लेख हन ता नहीं नहीं हैगा दे विच हन दसने ने किहड़े किहड़े लेख ने इन्हां दे विचों जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर की रचना ने? हाँ जी सही उत्तर है जिहदा सस्सा, 1, 2, 3, 4 भाव जो सारे लेख दिते गए ने यह सारे रच डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर जी की रचना ने। तो सही उत्तर है 14वें का सस्सा, ये सारे लेख डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर जी की रचना ने। 15वां प्रश्न है जी अगे पिंगल मंजरी अते विद्या रत्नाकर का संबंध किस नाल है? किस दीआं रचनावां ने यह पिंगल मंजरी अते विद्या रत्नाकर? ऊड़ा ऑप्शन है जी गुरदित्त सिंह, आड़ा बिहारी लाल पुरी, ईड़ी शरदा राम फिलोरी जां सस्सा ज्ञानी दित्त सिंह। पिंगल मंजरी अते विद्या रत्नाकर, हाँ जी सही उत्तर है जी इहदा आड़ा लाला बिहारी लाल पुरी। 16वां प्रश्न है जी अगे लेखकां ते पाठकां नूं शुद्ध पंजाबी लिखण लई प्रेरित करन दे लई प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने किहड़ी पुस्तक लिखी तां जो लेखक ते पाठक ने शुद्ध पंजाबी लिखण लई प्रेरित होण? इस संबंधी प्रिंसीपल तेजा सिंह दी इक रचना है उहदा नाम दसना जी। ऑप्शन ने लिखण दा ढंग, पंजाबी, पंजाबी बातचीत जां शुद्ध पंजाबी किवें लिखी है? हाँ जी सही उत्तर है जिहदा सस्सा, शुद्ध पंजाबी किवें लिखी है। 17वां प्रश्न है ओम जय जगदीश हरे आरती का लेखक कौन है? ऊड़ा बलराज सानी, आड़ा पंडित शरदा राम फिलोरी, ईड़ी गुलशन कुमार जा सस्सा उपरोक्त विचों कोई नहीं? ओम जय जगदीश हरे आरती सही उत्तर है जिहदा आड़ा शरदा राम फिलोरी ने लिखी सी। अगे जी 18वां प्रश्न डॉक्टर TR शर्मा की निबंध रचना का संबंध है? मास्टर काडर का पेपर जो कि 2016 के होया सी उहदे विच इह प्रश्न पूछा गया सी निबंध रचना का संबंध की है? ऊड़ा हैगा धार्मिक दार्शनिक विषयां नाल, आड़ा खेडां दे तकनीकी पक्खां नाल, ईड़ी सिक्ख्या प्रणाली अते अध्यापन नाल, सस्सा सभ्याचार दे विभिन्न पहलुआं नाल। हाँ जी सही उत्तर है जी दा ईड़ी सिक्ख्या प्रणाली अते अध्यापन दे नाल। अगे प्रश्न है किस वार्तककार नूं शब्दां दा जादूगर कहा जाता है?
ये प्रश्न भी पेपर के पूछा जा चुकया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर, डॉक्टर कपूर सिंह ICS, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जा उपरोक्त विचों कोई नहीं। किस वार्तककार नू शब्दों का जादूगर कहा जाता है? हाँ जी, 19वें का सही उत्तर है जी ईडी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी नू शब्दों का जादूगर कहा जाता है। अगे जी बीमा तां अखीरला प्रश्न है जी, 2017 दे विच पेपर होया सी, उहदे विच पूछा जा चुकिया पंजाबी गल्प का मोढ़ी है गुरमुख सिंह मुसाफिर, प्रोफेसर पूरन सिंह, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जा भाई वीर सिंह। हाँ जी, इहदा सही उत्तर है जी सस्सा, भाई वीर सिंह जी नू पंजाबी गल्प का मोढ़ी मन्या जाता है। 2017 दे विच जो पेपर होया सी उहदे विच प्रश्न पूछा जा चुकिया। ऐसी प्यारे विद्यार्थियों, अज्ज दा मॉक टेस्ट, उम्मीद करदा कि तुहानू मॉक टेस्ट जरूर वधिया लग रहे होणगे। जेकर वीडियो वधिया लगी तां वीडियो नू लाइक करो, जेकर तुसीं चैनल दे नाल नवे जुड़े हो तां चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो।